दोस्तों, किडनी की बीमारियों के इलाज में इंसान की डाइट बहुत ही जरूरी है। इतनी जरूरी कि डाइट हमारी जिंदगी का 50% हिस्सा है। पर आखिर किडनी की बीमारियों में खाया क्या जाए? दोस्तों, आपने ये तो सुना ही होगा कि ब्रेकफास्ट यानी कि नाश्ता दिन का सबसे बड़ा हिस्सा होता है, और इसीलिए किडनी की बीमारियों में आपको ये ध्यान रखना पड़ता है कि आप अपने नाश्ते में क्या चीज खा रहे हैं, यानी कि किन चीजों से आपको दूर रहना चाहिए और कौन सी चीजें आपकी हेल्थ को बढ़ा देंगी। आइए आज यही जानते हैं। पर शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन का ये आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप हमारे सारे नोटिफिकेशन तुरंत पा सकें। हम में से ज्यादातर लोग ब्रेकफास्ट में फ्रूट भी खाते हैं, पर जब तक आपकी किडनी ठीक ना हो जाए तब तक फलों से दूर ही रहिए। और किडनी थोड़ी ठीक होने के बाद भी आप फलों की एक कटोरी ही खा सकते हैं। दरअसल फ्रूट्स में कुछ इस तरह के विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं जो किडनियों को ठीक नहीं होने देते। आप किसी तरह के ड्राई फ्रूट्स भी नहीं खा सकते, क्योंकि ये किसी भी रूप में किडनियों की बीमारी में आपको काफी दिक्कत दे सकते हैं। सब्जियों में जमीन के अंदर उगी सब्जियां जैसे कि आलू, चुकंदर वगैरह ना खाएं। साथ ही में पत्तेदार सब्जियां जैसे कि पत्ता गोभी, मेथी, सरसों वगैरह ना खाएं। इनमें भारी मात्रा में पोटेशियम और कुछ ऐसे मिनरल्स होते हैं जो आपकी हालत बिगाड़ सकते हैं। आप ऐसी सब्जियां खाएं जो जमीन के ऊपर फल के रूप में लगती हैं, जैसे कि भिंडी, टमाटर, बैगन वगैरह। नमक और चीनी का उपयोग कम से कम करें, और ना ही इस्तेमाल करें तो बेहतर है। दूध से भी दूर रहिए, और पोहा, दलिया जैसी चीजें आप खा सकते हैं। नींबू भी आपको नुकसान नहीं करेगा। चावल की जगह रोटी खाइए, और ब्रेड में सफेद ब्रेड आपके लिए ज्यादा अच्छा होता है। वैसे तो ब्राउन ब्रेड ज्यादा हेल्दी माना जाता है, पर ये किडनी की बीमारियों में हानिकारक होता है। तेल कम से कम इस्तेमाल कीजिए। और आखिर में बात आती है पानी की, तो आपको जितना भी यूरिन फिलहाल बन रहा हो उससे बस एक ही लीटर ज्यादा पानी पीजिए। किडनी की बीमारियों से बाहर निकल पाना बहुत ही मुश्किल है, पर कर्म आयुर्वेद में हम आयुर्वेदिक दवाइयों द्वारा और आपका डाइट चार्ट बनाकर आपको फिर से जल्द स्वस्थ करने का वादा करते हैं। दुनिया भर के कई हजार लोगों ने कर्म आयुर्वेद से अपना इलाज करवा के खुशी की ओर अपना मुख मोड़ लिया है। आइए आज मिलते हैं एक ऐसे ही पेशेंट से। क्या नाम है पेशेंट का? संदीप पोखरे। कहाँ के रहने वाले? नागपुर। नागपुर में कहाँ से? नागपुर में सदर के पास। तो ये जब आपके कौन है पेशेंट आपके? बड़े भाई। बड़े भाई, तो जब आए थे तब क्या क्या तकलीफ हो रही थी इनको? सर, उसको चलने में दिक्कत थी, बॉडी में बहुत ज्यादा वीकनेस थी। हाँ। पहले फिजिकली काफी दिक्कत थी। क्रिएटिनिन भी बढ़ रहा था इनका पहले रेगुलर? हाँ सर, तेजी से बढ़ रहा था। 6.9 था। 6.9 तक आ गया और ये बढ़ता चला गया। जी, ये जब आए थे इनका क्रिएटिनिन 6.9 के आसपास था, और यूरिया जो था वो 184 के आसपास था। 11/9/2018 की ये रिपोर्ट है, और इनका जो क्रिएटिनिन था वो धीरे धीरे करके रिड्यूस होता गया। 6.9 एंड 184 के आसपास था पहले। 11/9 के बाद इन्होंने फिर टेस्ट कराया 22/9/2018 को मेडिसिन शुरू करके, 6.09 हो गया, और यूरिया में ड्रास्टिक रिडक्शन हुई। 184 से सिर्फ 80 रह गया, 79.8 हो गया 22/9/2018। फिर उन्होंने एक और टेस्ट कराया 17/10/2018, सारे नागपुर से कराए हुए टेस्ट, छाया लेबोरेटरी पैथोलॉजी। ये आपकी नागपुर में ही पड़ती है ये? हाँ, नागपुर आपके आसपास ही है। धनतोली में। धनतोली, तिरंगा चौक, नागपुर। क्रेटिनाइन 5.10 हो गया और यूरिया 56 हो गया। तो मात्र एक महीने के अंदर अंदर इनको देखेंगे किस प्रकार से इनको इम्प्रूवमेंट और फायदा नजर आया। तो देखा आपने कैसे डॉक्टर पुनीत धवन ने सिर्फ आयुर्वेदिक दवाइयों और डाइट द्वारा इस पेशेंट की किडनियों को फिर से ठीक कर दिखाया, जिससे उनका जीवन काफी सुधर गया है। अब आप अपनी किडनी की परेशानियां स्क्रीन पर दिख रहे नंबरों पर कॉल करके बता सकते हैं, और हमारे आयुर्वेदिक डॉक्टर से मुफ्त सलाह पा सकते हैं, या फिर अपना फोन नंबर नीचे कमेंट कर दें ताकि हम आपको कॉन्टेक्ट कर सकें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और ऐसे ही हेल्थी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। हेल्दी रहें, खुश रहें।